लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज के इस बुलेटिन में दिन भर की कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। आज की सबसे बड़ी खबर दीपावली की। दीपावली के अवसर पर शनिवार को सारा शहर प्रकाशमय, रोशनी की जगमगाहट हर तरफ बिखरी। बताएंगे रविवार को बीजेपी के कौन अहम नेता आ रहे हैं बिहार, जिनकी मौजूदगी में एनडीए की होगी बैठक और होंगे अहम फैसले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंडित नेहरू को उनके जयंती पर दी श्रद्धांजलि। वहीं दीपावली की बधाइयां दी बिहार वासियों को। बताएंगे क्या बोले नीतीश कुमार। दिन भर बिहार में है आगे, संजय राउत ने तेजस्वी को लेकर दिया बड़ा बयान। जानिए क्या बोले शिवसेना के नेता। कांग्रेस ने भी चुना अपना विधायक दल का नेता। बताएंगे कौन हुए निर्वाचित। जाते जाते बताएंगे पटना समेत किन जिलों में पटाखों की बिक्री पर लगी है पूर्णतः रोक और किन जिलों में है कुछ देर की इजाजत। कोरोना काल में छठ को लेकर स्वास्थ्य विभाग का सुझाव। बताएंगे प्रशासन ने क्या दी लोगों को सलाह। अब खबर विस्तार से। शनिवार को दीपावली के अवसर पर पूरा शहर जगमग कर रहा है, हर तरफ रोशनी फैली है, लोगों में खुशी का माहौल है। कोरोना काल में कई नियमों के बावजूद लोगों में उत्साह और शहर में रौनक दिख रही है। बिहार में बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव कराने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को पटना आएंगे। बैठक में राजनाथ के अलावा बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव भी रहेंगे मौजूद। सूत्रों से खबर है कि रविवार को राजनाथ, फडणवीस और भूपेंद्र मिलकर अगली सरकार में भाजपा की भूमिका पर भी चर्चा कर सकते हैं। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि डिप्टी सीएम को लेकर बीजेपी में अटकलें तेज हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को दिल्ली बुलाया गया था, जहां से वो आला कमान से मिलकर वापस शनिवार को पटना आ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। साथ ही ट्वीट करके भी लिखा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि पंडित नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तेजस्वी यादव ने भी बिहार वासियों को दीपावली की शुभकामना दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की असंख्य शुभकामनाएं। हम अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अफसरशाही के साथ दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई में व्याप्त घनघोर अंधेरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय हिंद, जय बिहार। महाराष्ट्र के शिवसेना नेता संजय राउत ने तेजस्वी यादव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो आज भी मेरे मन में सरकार की स्थिरता को लेकर शंका बहुत ही कमजोर बहुमत की। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से युद्ध को जीत लिया है, ठीक है आंकड़ों में नहीं जीता, लेकिन बिहार की रणभूमि पर युद्ध के असली हीरो तेजस्वी यादव हैं। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने विधायक दल का नेता बिहार में चुना है और आफाक आलम को उप नेता चुन लिया गया है। पार्टी की हुई बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके नामों की घोषणा की। बिहार में राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटना समेत 3 जिलों में शुक्रवार से ही पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में पटाखों की बिक्री या पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तीनों शहरों के अलावा बिहार के दूसरे शहरों में सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे छोड़े जाने की इजाजत है। यह नियम सिर्फ दीपावली के लिए नहीं बल्कि छठ, क्रिसमस और नए साल के जश्न पर भी लागू किए गए हैं। वहीं भागलपुर, दरभंगा सहित दूसरे शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही छोड़े जाने की इजाजत होगी। और बिहार में छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि एहतियात बरतें और एहतियात के तौर पर लोगों को कई आवश्यक सलाह भी दिए गए हैं। कोविड काल में छठ पूजा के आयोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा परामर्श के अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जिला प्रशासन को व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश भी दिया गया है। छठ व्रत के आयोजन को अपने घर पर ही करने की अपील जिला प्रशासन ने लोगों से की है। छठ पर्व के दौरान बुखार से ग्रस्त व्यक्ति, 60 साल से ऊपर के व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को छठ के लिए घाटों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। लाइव सिटीज की दिन भर बिहार में आज इतना ही। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो।
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।